भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक और भाजपा नेताओं के इस्तीफे के कारण पार्टी की हताशा और उनकी गुटबाजी खुलकर सामने आई है। उपचुनाव के नतीजों से भाजपा पूरी तरह से घायल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को जहां उपचुनावों में हुई हार पर मंथन करके अपनी जन विरोधी नीतियों को बंद करने का प्रण लेना चाहिए था, वहीं पूरे भाजपा हार का ठीकरा अब एक दूसरे पर फोड़ने में व्यस्त हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव अनीता वर्मा ने हमीरपुर में मीडिया के साथ रूबरू होते हुए ये बयान दिए। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे ने लोगों को भाजपा के खिलाफ वोट देने पर मजबूर किया था। अब बैठकें कर एक दूसरे पर दोषारोपण किया जा रहा है तथा ये जताने का भाजपा की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि उनके कार्यकाल में कुछ भी जन विरोधी काम नहीं हुआ है। अनीता वर्मा ने कहा कि भाजपा के नेताओं की हताशा अब इतनी बढ़ चुकी है कि अब तो सरकारी कर्मचारी को सरेआम सोशल मीडिया में धमकियां दी जा रही हैं। अनीता वर्मा ने कहा कि बेहतर होता प्रदेश के सारे भाजपा नेता केंद्र से प्रदेश के लिए एक आर्थिक पैकेज की मांग करते ताकि मात्र कर्जे के सहारे चल रही प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होता। वर्मा ने कहा कि अब हिमाचल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है और भाजपा अगले विधानसभा चुनावों में 2.5 का आंकड़ा भी छूने वाली नहीं है। ऐसे है कि ये जो उपचुनाव हुए हैं इनके रिजल्ट से भाजपा जो है वो घायल हो चुकी है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हुआ तो हुआ क्या। हम लोग कांग्रेस के जन जो हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो अपनी कार्यकारिणी थी पूरे इस 4 साल में और जिस तरीके से इन्होंने इस प्रदेश को चलाया एवं सेंटर की जो महंगाई है, ये सारे मुद्दे जो थे जो लोगों को बहुत छू रहे थे, जिसमें एक बेरोजगारी भी है, इन बातों ने लोगों को इनके खिलाफ वोट डालने के लिए मजबूर किया। अब ये अलग बात है कि ये अपने आप कोई अपने कार्य करने की बैठक कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे को दोष दे रहे हैं और कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये नज़र आए कि भाजपा या उनके कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसके कारण लोग उनके खिलाफ गए हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती। अगर सच्चाई छुपती तो उनके जो अपने पदाधिकारी हैं, बेशक कृपाल प्रमाण हैं या पवन गुप्ता हैं, वो अपने अपने ओहदों से इस्तीफा नहीं देते। और इतना आज जो बीजेपी में और उथल पुथल हुई है, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनके कारण हम ये चुनाव हारे हैं, ऐसी स्थिति नहीं आती। और बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक बीजेपी तैयार नहीं है मानने को कि ये महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से इस पूरे प्रदेश में कार्य चल रहे हैं, जो बिल्कुल ही मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ठप हो गए हैं, उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ कह रहे हैं कि ये तो एक सहानुभूति की लहर थी जो वीरभद्र जी की तरफ एक लोगों ने पाई। लेकिन मैं समझती हूँ कि भाजपा को आज कांग्रेस की तरफ उंगली ना उठाकर, उनके विषय में ना सोचकर, अपने विषय में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि बेशक चुनाव के लिए 1 साल है, ये चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है, हमें बहुत कार्य करने हैं और हम उसी के तहत प्रोग्राम बना रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे लोगों के साथ हम संपर्क रखें और उनकी आवाज़ एक ऑपोजिशन पार्टी होते हुए बड़े जोरों शोरों से उठाकर हम जो आगे आने वाला समय है उसके लिए तैयारियां करें। अनीता वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो कांग्रेस पर बयान दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के नेता अति उत्साह में होते तो जो काम वे कर रहे हैं वो नहीं करते। उन्होंने कहा जो भाजपा नेता कांग्रेस को उपचुनाव के बाद अति उत्साहित होने की बात कह रहे हैं वो शायद ये भूल गए हैं कि कांग्रेस हमेशा धरातल पर रहकर काम करती है। ये भाजपा का काम है जिसने अति उत्साह के चलते उपचुनाव में राज्य भाजपा ने केंद्र में अपने शीर्ष नेतृत्व को भी प्रचार के लिए नहीं बुलाया था और उनकी हार का सबसे बड़ा कारण भी यही है। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट होती तो जिस प्रकार से हमने जन जागरण के प्रोग्राम शुरू किए हैं
और मेंबरशिप ड्राइव में जो हम हर बूथ में जा रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम हम नहीं करते। सुस्ता जाते, सो लेते और कहते कि हम बड़े खुश हैं कि हम जीत गए हैं। हमें पता है कि जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और हम उस मेहनत पर आज उतर आए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारी है मैम? हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से अगर पार्टी की सबसे बड़ी बात है कि जो निर्णय किसी भी पार्टी में किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए किया जाता है तो वो हाई कमांड से किया जाता है, और अगर हाई कमांड मुझे ये जिम्मा सौंपेगी तो उसकी तैयारी ये है कि हम लोगों से संपर्क रख रहे हैं और अभी बूथ कमिटीज़ में मेंबरशिप की ड्राइव लेकर भी जाएंगे, लोगों से और भी संपर्क बनाएंगे, और 28 तारीख को हम उखली से एक जन जागरण का प्रोग्राम भी कर रहे हैं जो पांडवी में जाकर ख़त्म होगा। उसके तहत भी हम लोगों को जो महंगाई है, बेरोजगारी है और जो अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार जो सरकार है उसकी बातें जो हैं हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो हमारे चल रहे हैं।